तो मेरे पीछे आप देख सकते हो नान डाक केबाब डाक, ठीक है। ये है अफगानी रेस्टोरेंट इन ऑफनबाख, पहला अफगानी रेस्टोरेंट इधर ऑफनबाख में मैंने अभी देखा है। ओके, और ये मेन सिटी में है ऑफनबाख में, आप देख सकते हो मैं अभी इधर अंदरून ऑफनबाख की गलियों में हूँ, और एड्रेस मैं इधर कहीं पर लिख दूँगा तो आपको ये ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन ये सिटी के अंदर ही है। ओके, आप इधर चलते हो गए इधर अंदर तो आपको ये राइट साइड पे मिलेगा, अगर आप उधर से आ रहे हो तो ये लेफ्ट साइड पे है, अगर आप उधर से आ रहे हो तो ये राइट साइड पे आपको मिलेगा, एड्रेस कहीं पे होगा, ठीक है। तो इनकी हम शिनवारी कढ़ाही ट्राई करेंगे। ओके, ये एक स्पेशल चीज़ है शिनवारी कढ़ाही इनकी, वो मैं इधर ट्राई करने आया हूँ, ठीक है। काबली पुलाव तो काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन शिनवारी कढ़ाही ट्राई करनी है। पेशावर में बहुत वो बनाई जाती है, यानी कि उस रीजन में, तो अब इधर भी आ गई है तो इनके ट्राई करते हैं। ओके, अंदर चलते हैं। मैं नान दाग के अंदर हूँ अब। ओके, और डेकोरेशन बहुत प्यारी की हुई है इन्होंने, मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये जो चेयरें थोड़ी सी इन्होंने ऊपर रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि फिर खाना ठीक से खा सकते हैं। कोई कोई रेस्टोरेंट होते हैं उन्होंने चेहरे बहुत नीचे रखी होती हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है खाने का, ये सेटिंग मुझे पसंद है इधर की। अच्छा, तो यार इनकी ये जो चमचे हैं ना, ये गोल्डन है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सोने की स्पून नहीं है, लेकिन सोना ऑब्वियसली नहीं है, नहीं तो ये इधर नहीं थी होनी, ये चोरी होगी उन्हें जी। यार इनका मेन्यू चेक करते हैं, ठीक है, यानी कि सूप से लेके सैलड, एपेटाइजर, बाद में ग्रिल की स्पेशलिटीज़। ओके, आप देख सकते हो वैरायटी काफ़ी है। नेक्स्ट पेज, ये भी सारी ग्रिल स्पेशलिटी है फॉर 3 persons ऑल्सो। ओके, अफगानी जो राइस की सारी डिशेस हैं, ठीक है, ये हैं 1, 2, 3, 4 राइस डिशेस, डिज़र्ट, ड्रिंक्स। ओके, और इनके पास ना हर दिन का एक मेन्यू भी होता है, ठीक है, ये आज का मेन्यू है और अब ख़त्म हो गया है। काबली पुलाव मंथ und ein Shinwari Karahi daraus. Und zum Trinken das Karahi, also mit Lamm. Lamm, scharf? Ja, das können schon scharf machen, kalb. Das ist der Vorspeise, genau. So, wie mein Rat geht einmal, ठीक है, अभी 8:30 बज रही है और ये 9:30 बंद कर जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, लेकिन सुबह के टाइम इधर रश होता है। ओके, यानी कि काफ़ी चलती है, काफ़ी बड़ा होता है ये रेस्टोरेंट। ओके, सर अभी ये हमारा एपेटाइजर आ गया, लेकिन मैं इधर स्पेशली सिर्फ शिनवारी कढ़ाई के लिए आया था, लेकिन सोचा कि एक एपेटाइजर भी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में अच्छा रहता है। मैंने किया है ये मंथू, आप सबको पता है कि ये क्या है, मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको ये दिखाया था, और ये एस यूजुअल ऊपर दाल है, इन्होंने धनिया डाला हुआ है, योगर्ट सॉस, और जो फिलिंग है इसकी ये नहीं मुझे पता किसके साथ फिल हुए हुए हैं, अभी मैं देखता हूँ किसके साथ ये फिल हुए हुए हैं। ओके, कांटा या पिंच? हाँ, कांटा, ये कांटे पर स्पून पकड़ लेता हूँ, गोल्डन स्पून के साथ आई थिंक ये टेस्ट अलग ही आएगा, और इसलिए ट्राई करते हैं ये लाइक मंथू। ओके, ये मेरे साथ इन्होंने फील किए हुए हैं, ये ऑलिव ऑयल का भी उन्होंने ऊपर एक ड्रिजल डाला हुआ है, टमाटर भी हैं मैंने देखा है, ये ओवरऑल अच्छा स्टार्टर है ये, मैंने कहा स्टार्टिंग में कुछ लाइट चीज़ बेहतर रहती है, ये परफेक्ट है। तो इधर अब काबली पुलाव और मेरी शिनवारी कढ़ाही आ चुकी है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इम्पोर्टेंट, जब आप ये ऑर्डर करोगे ना इधर, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपको जो कढ़ाही है वो आपको चिकन के साथ चाहिए या फिर लैम के साथ, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, मैंने अभी लैम के साथ ली है, और जो काबली पुलाव है उधर भी यही है, आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपको लैम के साथ चाहिए या फिर बीफ के साथ, ये बीफ के साथ है, नहीं ये लैम के साथ है, नहीं ये बीफ के साथ है, ओके, और ये लैम के साथ है। ओके, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा इनका इधर ये सिस्टम है, और अभी ट्राई करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, लेट्स गो। तो ये देखो यार, शाइनी शाइनी काबली पुलाव, कैरेट्स, इनके चावल, ठीक है, ये भी बहुत शाइनी लग रही हैं, और साथ में ये बीफ है,
काबली पुलाव तो मैंने अब काफ़ी दफ़ा ट्राई कर लिया है, लेकिन अगर अफगानी रेस्टोरेंट पे आप आओ तो ट्राई करना मस्ट होता है। आप देख सकते हो एक पहाड़ इन्होंने दे दिया है काबली पुलाव का, अंदर एक बिग चंक ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी कि इन्होंने मीट के साथ बढ़ावा है इसको, ये 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 अभी और भी कहीं पर छुपी होनी है, ठीक है, अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, लेकिन आप एक मैं बाइट बनाता हूँ, ओके, एक का एक पीस पकड़ लेता हूँ मैं बोटी का। ओए होए कितना टेंडर है यार, ये देखो ये मेरी बन गई है, मीट सारा मुंह में मेरे पिघल गया, यानी कि बीटी का बहुत टेंडर है, क्या बात है यार। मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम बीफ के साथ की थी या फिर लैम के साथ, ये लैम के साथ है, ओके, नहीं जो लास्ट टाइम है वो भी बीफ के साथ थी, भी बीफ के साथ है। अब जब मैं कहूँगा किसी अफगानी रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो लैम के साथ मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अभी तक मेरा फेवरेट बीफ है, ओके। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो इनके कैरेट्स हैं ना, ये थोड़े से उन्हें बड़े बड़े पीस डालने में अंदर, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट है इनकी कैरेट्स, ये सच में ऐसे टूट रही है ना कि मैं बता नहीं सकता। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसे टूट रही है, ये देखो, यानी कि सिस्टम बहुत टेंडर रखा है। तो यार ये इनकी शिनवारी कढ़ाई है, ठीक है, आप देख सकते हो इन्होंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता अगर नॉर्मली शिनवारी कढ़ाई इतनी ऑयली होती है, लेकिन ऑयल जो होता है वो टेस्ट देता है एक्स्ट्रा। तो ये देख सकते हो ग्रेवी इसके ऊपर है, नीचे थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा है, और ये है इनका बीफ, ऊपर धनिया है, सॉरी यार ये लैम है, ठीक है, मैं बीफ के साथ हमेशा इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये बीफ था, ये लैम है, ओके, ये अभी मैं ट्राई करता हूँ। साथ में उन्होंने ये गर्मा गर्म रोगनी नान दिए हैं, ओके, अभी अभी बहुत गर्म है ये, ठीक है, ध्यान से हाथ ना चल जाए मेरा, उतारते हैं, क्रिस्पी भी हैं काफ़ी, ठीक है, ये है इनके नान, और ये अब एक बाइट में बनाता हूँ शिनवारी कढ़ाई का। ये बोनलेस बीफ है, यानी कि क्या है यार, ये बोनलेस लैम है, ओके, बीफ नहीं है, मैं कौन दफ़ा भूल गया था, ये ट्राई करता हूँ मैं, ये वाला पीस पकड़ लेता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा तोड़ लूँ, इसको यार अभी ग्रेवी के साथ भी फुल करना है, ये तो कुछ नहीं है, ये देखो यार, ओए होए, इसको अब एक दफ़ा ट्राई करते हैं, ओके, बिस्मिल्लाह, ये गर्म है, मेरा मुँह ना जल जाए, अच्छा है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि ये जो कढ़ाई है ना इनकी, आप इनको बोल सकते हो कि अगर आपको ये मिर्ची वाले चाहिए या फिर लेस स्पाइसी, तो उसी हिसाब से आपको वो बना देंगे। फिर किचन में उसने मुझसे भी पूछा था, मैंने बोला था कि मिल्ड स्पाइस रखना, तो यानी कि जो आप प्रेफर करते हो ना वो आपको उतना स्पाइसी कर देंगे। तो अब यार एक और इसकी बाइट में लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ कोर पीस, मैंने जूसेस नहीं कर रही है, जूसेस कम नहीं कर रहे, तेल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर रहे वैसे, तो कोर्टफा मैंने तो मैंने कोर्टफा फुल कर लिया, ये स्पाइसी है और जो मीट है वो काफ़ी टेंडर है, यानी कि सही पका हुआ है, और स्पाइसेस हैं के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की वो टेस्ट आ रहा है, यानी कि स्पाइसेस का एक्सप्लोजन हो रहा है मेरे मुंह में अभी। और मैं पहली दफ़ा कि मैं ये शिनवारी कढ़ाई खा रहा हूँ, वैसे तो मैंने सुना कि ये पेशावर में ये ज़्यादा बनाते हैं, ओके, पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, एंड इसको मैं 10 out of 10 दूँगा, 9 out of 10, ओके, नान अगर थोड़े से वो डिफरेंट होते तो शायद 10 out of 10, लेकिन कढ़ाई ओवरऑल बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है। तो अब ये मैंने अभी सारा ख़त्म करना है, मैं आपको एंड पे एक रिव्यू दूँगा, ओके। यार तो अभी मैंने खा लिया, ठीक है, मैं साथ थोड़ा सा पैक भी करवा लिया, इसके अंदर काबली पुलाव है और शिनवारी कढ़ाई थोड़ी सी बच गई थी, तो वो मैंने बोला कि पैक करवा लेते हैं, फेंकना नहीं है, और
जो शिनवारी कढ़ाई थी वो आई थिंक दो लोग भी खा सकते हैं, वो अकेला बंदा, आई डोंट नो, अगर आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है तो आप ऑब्वियसली वो अकेले भी खा सकते हो, लेकिन वो आई थिंक दो बंदों के लिए बनी हुई है, ठीक है। अगर आप दो बंदे आ रहे हो तो एक ही शिनवारी कढ़ाई ऑर्डर करना काफ़ी है। और जो खाना था यार मुझे बहुत ही पसंद आया है, यानी कि शिनवारी कढ़ाई पहली दफ़ा मैंने ट्राई की है, एक अलग ही आज टेस्ट आया। नहीं तो मैं हमेशा अफगानियों के पास या तो चपली कबाब खाता था, काबली पुलाव, इस दफ़ा एक कढ़ाई का टाइम था, ठीक है, कढ़ाई ने एंड कर दिया है। तो इधर ही इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक नई वीडियो से मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।